है गाइस, उस दिन का वीडियो जिस दिन हम लोग शाम को नागपुर पहुंचे थे। सो मैं पार्लर गई थी हेयर कटिंग और आईब्रो के लिए। सो ये है हमारी एमपी की जबलपुर वाली दीदी, वो बस मस्ती कर। और ये है सुबह सुबह का ब्लॉग, जिस दिन था आरू का बर्थडे और न्यू हाउस की पूजा। यहाँ पे हो रही है सत्यनारायण की कथा, तो भैया भाभी बैठे हैं पूजा में और बाकी सब लोग इधर उधर, मतलब हम लोग भी पूजा में बैठे हुए थे क्योंकि मैं ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं दिखी। निज धर्मानुसार निज पात्रों के साथ व्रत करने के लिए उद्युक्त हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां पर आ पहुंचा। भूखा प्यासा से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता और आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, कौन सा व्रत कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, वो विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, सब मनोरथों को पूरा करने वाला, दुख शोकादि का नाश करने वाला तथा धन धान्य और पुत्र पोत्र आदि की सिद्धि देने वाला यह श्री देवेश। सो यहाँ पे मम्मी कपड़े दिखा रही थी आरू के लिए जो लेके आई थी और हम लोगों के लिए सबके, तो आप लोग वीडियोस में देखिएगा। थोड़ा और बड़ा लाती ना जुन्नू तो भाभी को भी हो जाते, थोड़ा और बड़ा होता तो आपको भी आ जाता वो। सदा मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अरे वाह, आप लाइट जलाइए मस्त। ए मम्मी बैठी ना, बिल बचा रही है वो। मम्मी बैठी ना, बिल बचाती है वो। इसको फिट बस करा लूंगी ना तो हो जाए। आरू का नानी दादी लाई सदा सौभाग्यवती भवा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम ऐसे हैं, हस्त पुष्ट रहिए। नहीं रहता, ईयर रहता है वहाँ पे। अगर सुनिए कपिल, अगर तुम्हारा साइज का दिक्कत हो ना, मॉल यहाँ भी चेंज हो जाएगा। जो लाए ना यहाँ भी चेंज कर देगा वो, बोल के आए हैं वहाँ। हाँ लाइटिंग और कलर और लाइटिंग और हाँ, अरे आगे काम आएगा यार एक। हाँ इसको
और यहाँ मैंने और पतिदेव ने आरू के लिए कुछ कपड़े लिए थे, तो वो मैं भैया को दिखा रही थी। मुझे लगता है ऐसा साइज थोड़ा सा बड़ा था। वैसे साइज तो मैंने 4 to 5 years का लिया था, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता। आयांशु के कपड़े मैं जितने लेके आती हूँ ना, सारे छोटे हो जाते हैं, मतलब एक ही बार पहनते और फिर छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े कपड़े लिए थे। सो बस पूजा वगैरह सारा कुछ हो चुकी है और अरे नहीं बेटा बनता है, इतना दूर बेटी को नहीं लाएंगे, दामाद को जरूर लेके आएंगे। भगवान शर्म, बेटी को कपड़े नहीं दिए, दामाद को कपड़े। ये भैया का ही तुम्हारा, ओपन करके दिखाओ। सबको सेम कलर यही आता है, सही। ये भैया का है, तुम बदल लो कपड़े से। ये भैया का है, भैया तुम्हारे कपड़े, भैया बोला ये भैया कपड़े बहुत सुंदर ठीक है। भैया को हाथ हमला जाए। हेलो भैया, ओ भैया कपड़े देख लो अपने, कपड़ा एक बार देख लो। ये शादी की साड़ी है, ये शादी की साड़ी है। आरू वाले दिखाओ कपड़े, मम्मी देखेंगी। मम्मी वीडियो बनाई क्या कपड़ों को? आपके साथ का मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। भैया का कपड़े दिखा दो, खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए। और भाभी नहीं, फिर जल्दी से वो आपकी टर्न पहले है। किसु लो साक्षु, साक्षु किसु करो, वीडियो बोल रहा है, वीडियो बनाओ। किसु तो कर लो नानू को, अभी बोलना पड़ेगा। वाह इंसल्ट भाभी, ऐसा इंसल्ट पे इंसल्ट करते ये लोग, इंसल्ट पे इंसल्ट। एक किसु सबको किसु, ऐसे नहीं, पहले आके पास में ऐसे 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 बोलो, आशीर्वाद लो, पांव छू के आशीर्वाद लो बीवी के सबसे। ये तो मेरे पांव नहीं पड़े, नहीं छूने बीवी में लग गया। कहाँ जाऊँ खेलने? आरू कहाँ गई? किसे था गप्पे मारे? इधर से कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे अच्छा लग रहा है, साइज भी बड़ा लेके आई। हाँ हाँ अभी दिखना चाहिए ना। थैंक यू भाभी, साड़ी मेरी साड़ी दिखाओ। ये है, ये है, ये है, ये है। पी को हो चुका है, खुद देख लो। कैसा लगा ये शर्ट है और ये पैंट? थैंक यू मम्मी, जीजू आते।
देखिए अपना ये साड़ी कपड़ा ये साक्षी भाभी की तरफ से मतलब आप लोग आरू साक्षू को देगी। साक्षू भैया बहुत ठीक लगी, लेकिन तो यहाँ पे होगी शाम को आरू की केक कटिंग बर्थडे पार्टी, तो उसके लिए हो रहा है डेकोरेशन। तो टेंट वाले भैया और खाना वगैरह वाले बनाने वाले भैया लोग भी आ गए थे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया हाफ डेकोरेशन। ये जलेगा ना भाई, ये वो हैप्पी बर्थडे जो लिखा है। अरे प्रिंस ये लाइटिंग चालू करा दो ना, भैया को बोलो। अरे ये वाली, ये वो अंदर से ही चालू होती शायद। अरुणकृति भाभी को या फिर किसी को बोलो। अरे पूछो ना कपिल कहाँ है। That's a balloon. That's not balloon. Balloon. Oh, she don't know her. It's Almira. गाइस हम लोग आ चुके हैं नागपुर के इस केक वाले शहर पे, और ये देखो केक ले रहे हैं आरू का। ये थोड़ी देर से आरू का केक आ जाएगा। क्या है ये, क्या है इसको, क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते क्या है? बहुत छोटी बॉटल है, लाइट जलेगा फिर इसमें। ये देखो ये केक वाली शॉप है, यहाँ पे हम लोग केक वगैरह लेंगे और इसके बाद फिर लास्ट में निकलेंगे। और सारी तैयारी हो चुकी है हमारी, बस हम मैं ऐसे घूम रहा हूँ। कपिल ऑलरेडी रेडी हो चुका है। क्या जाम हो गया, कैसे चलेगा यार, चलता है चालू रहता है, लाइटिंग चलेगा, बंद करके लाइटिंग अच्छा दिखेगा ना। तो क्या होगा कपिल, खड़ी हो जाएगी फिर? खड़ी नहीं होगी, ऑटोमेटिक। मैं वही सोचा कि यार ऐसा। और कुछ ये चॉकलेट वगैरह रखे हो क्या? क्या चॉकलेट वगैरह छोटी आ जाती बच्चों वाली ना? मैं यहाँ से आता हूँ पहले एक बार। हाँ आइए। इसको सेंटर पे लो ना, वो 12 टेप अंदर लगे है ना, वही है। हाँ ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, अभी पैकेट है। फ्लावर कुछ और अच्छे कलर के, ये वन टाइम यूज के आगे भी चलता रहेगा ना। दोनों साथ में बात इधर कर दो, वाइट पे ये वाइट वाइट पूरा साथ हो गया ना, अलग अलग करो। ये अपने को अभी ले जाएंगे, रिफंड हो जाएगा इसका पैसा। मतलब इसका 500 रुपए अपने को जमा करना है डिपॉजिट, ठीक है? जब अपन इनको वापस कर देंगे ये, तो 500 रिफंड हो जाएगा। तो मतलब ये कपिल के पास ये बार बार उसको बड़ा अच्छा करते हैं। बड़ा अच्छा प्लान किया है ये, हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। नया लगा इसलिए बोला ट्राई मारते इस बार। अच्छा इसको रखेंगे कहां? लेकिन अब बताते हैं ना, ये क्या रहेगा जो मतलब नीचे वाला केक है ना, वो आएगा उसके ऊपर, ये आएगा उसके ऊपर, वो है ये इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा। अच्छा नहीं वो बड़ा वाला केक जो अंदर निकल, हां बॉटम वो नीचे आएगा, उसके ऊपर ये आएगा, हां इसके ऊपर ये आएगा, ऐसे हो जाएगा है ना। मैं आपको करके बताऊंगा। वेरी गुड,
अभी आप कर देना कि मतलब देखने में तो अच्छा दिखे और खाया ना जाए, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, बता दो हाँ, करना है ना। हाँ प्लीज, इसी के ऊपर ऐसे। हाँ, इसके ऊपर ये रख देंगे अपन। एक डॉल और एक फोर और नीम सामने आने का मतलब अच्छा था। पहले यहाँ चल दो। हाँ, ये ऐसे रखना नीचे। हाँ, क्या बोलते हैं यार इसका नाम तो बता दो। नाम बताओ पहले। मान लो केक हल्का ना बड़ा दिखता है, इसलिए मैंने बोला जरूर ट्राई मारते हैं। इससे क्या आपने देखो ना, केक लगभग देखा जाए तो तीन लेयर का दिख रहा है। हाँ, ऐसा दिखेगा केक। अच्छा, ये है ना, चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आरू की बर्थडे पार्टी का ब्लॉग आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।